गुड मॉर्निंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर अमंग्स द टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस और दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस दैट इज द विटामिन। ओके, विटामिन्स। Now, as far as the definition of this vitamin is concerned, so vitamins are the organic compound. मतलब हम लोग जो ये टॉपिक देख रहे हैं vitamins का in your syllabus. So for what purpose? Because these are the organic compounds. और ये हम जो डील कर रहे हैं वो organic chemistry से डील कर रहे हैं, इसलिए vitamins को हम लोग यहाँ पर include करेंगे in your syllabus that the vitamins are the organic compounds found in the natural product. Which are being found in a एक मिनट। विटामिन्स आर प्रेजेंट और फाउंड इन द नेचुरल फूड एंड दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यू नो वेरी वेल। ठीक है, विटामिन्स हमको जरूरी होते हैं, वाइटल अमाइंस उसको बोला जाता है। वाइटल मतलब के विच प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल एंड अमाइंस मतलब बेसिकली दीज आर दी नाइट्रोजनस कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड होते हैं, इसको अमाइन भी बोला जाता है एंड वन कैन से दैट दीज आर दी कंपाउंड्स विच आर इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, विच प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड विटामिन्स। मोस्ट ऑफ विटामिन्स आर एक्टिंग एज कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स मतलब एंजाइम जो है वो प्रमोट करते हैं वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो डेफिनेटली ये भी कोएंजाइम कोफैक्टर जैसे रहेंगे क्योंकि विटामिन जो है वो एक्टिवेट होने के बाद उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कोफैक्टर्स एक्ट करते हैं। ओके, next this is a broad classification of this vitamin, that is you know very well vitamins are classified into depending on their solubility, water soluble and the fat soluble. Water soluble ke liye example hai vitamin B and B complex, means it's a group of vitamin B and vitamin C, whereas the fat soluble vitamins include the A, D, E, K. theek hai, next the classification, abhi yahan pe hum log classification dekh rahe hain vitamins ka, that the vitamins आर फर्स्ट जो रहेगा बीटा 1 जो है बेसिक रहेगा, जिसके अंदर उसको विटामिन ए के अंदर बेसिक बीटा 1 होता है। जब हम आपको समझ में आएगा कि बीटा 1 कौन सा है, या एवरी स्ट्रक्चर जो वाज एनी ऑफ हेटरोसाइक्लिक, तो इसके अंदर भी पैरा न्यूक्लियस होगा जिसको बीटा आयन वन बोला जाएगा, दैट इज इन द विटामिन ए। नेक्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेरॉइड्स विटामिन डी, ये जो रहेगा वो सोर्स के बेसिस पे हमने बोला है कि विटामिन डी इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट व्हिच कंटेन्स क्रोमेन रिंग, ये भी पार्ट हो जाएगा, दैट इज द डिपेंडिंग ऑन द हेटरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट, क्रोमेन रिंग जिसके अंदर प्रेजेंट होता है और द विटामिन व्हिच कंटेन क्रोमेन रिंग उसका एग्जांपल रहेगा विटामिन ई। देन व्हिच कंटेन्स नैप्थोक्विनोन रिंग, विटामिन के नैप्थोक्विनोन, नेप्थो मतलब नेप्थासिन से डिराइव होता है, या दो बेंजीन रिंग जॉइंट टुगेदर होते हैं उसको नेप्थासिन बोला जाता है। उसके बाद में उसमें ऑक्सो ग्रुप भी रहेगा, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सो ग्रुप, एंड वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन के, तो उसमें जो है वो हम लोग देखेंगे कि नेप्थोक्विनोन कैसे होता है। क्विनोन मतलब कि जिसके अंदर ऑक्सो या कीटोन ग्रुप्स होते हैं उसको क्विनोन बोला जाता है, तो नेप्थोक्विनोन रिंग रहेगा विटामिन के के अंदर। तो दिस इज से केमिकल क्लासिफिकेशन वी कैन से दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स और डिपेंडिंग ऑन द हेटरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर विटामिन, बिकॉज हमको जो विटामिन यहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। Which contains nitrogen ring? Which contains nitrogen ring? उसके लिए example रहेगा vitamin B1 and B2, B3, B9, B6. ये सब vitamin के example रहेंगे जो like which contains the nitrogen in the heterocyclic ring. मतलब ring तो रहेगा और nitrogen hetero atom जो है वो present रहेगा within a ring. That's why called as which contains the nitrogen in a ring. ठीक है, तो ये सब examples हैं. Next, which contains nitrogen in open chain? मतलब ring structure normally नहीं रहेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है वो बेसिक नेचर के लिए होता है, अल्कलाइन नेचर के लिए होता है, एंड एज वी आर कॉलिंग अमाइंस, तो अमाइंस में तो नॉर्मली नाइट्रोजन रहेगा ही,
दैट डिपेंड्स के विच विल बी द पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग और विच इज इन द आउटसाइड हेट्रोसाइक्लिक रिंग या विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच विल बी प्रेजेंट इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर नाइट्रोजन. सो दैट विल बी द एग्जांपल वी हैव विटामिन बी फाइव. नेक्स्ट विटामिन डिराइव फ्रॉम द शुगर्स, ये इसका डिराइव फ्रॉम शुगर होगा, जैसे कि विटामिन सी है, इट इज एन एग्जाम्पल विच इज डिराइव फ्रॉम शुगर. ठीक है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर उसका होता है, उसी तरह का मॉडिफिकेशन करके विटामिन सी को डिराइव किया जाता है. ओके नेक्स्ट, ये है कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द फैट सोलबल एंड द वाटर सोलबल विटामिन. तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको, बहुत सारी चीजें नॉन भी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. और इसमें आई मीन टू से दैट नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन आर इम्पोर्टेंट वन. इतने जो भी हम लोग देखेंगे रिव्यू स्ट्रक्चर्स वगैरह आगे, उसमें से वेदर इट इज अ फैट सोलबल विटामिन और अ वाटर सोलबल विटामिन, स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट वन, ये आपको ध्यान में रखना है. यस, हमको रिव्यू करना है. तो पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट फैट सोल्युबल विटामिन्स ए डी ई के, दिस आर द एग्जांपल्स. दिस आर फैट सोल्युबल एज नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग. दे आर स्लो इनएक्टिवेटेड विटामिन्स बाय द यूवी एंड बाय द ऑक्सीडेशन. स्लो इनएक्टिवेशन मतलब ये जो है फैट सोल्युबल, नॉर्मली फैट्स और ऑयल का इनएक्टिवेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है यूवी रेस के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो लाइक सेम वे ये विटामिन का भी प्रॉपर्टी वही रहेगा, बिकॉज दिस आर फैट सोल्युबल और ऑयल सोल्युबल विटामिन, तो विल गेट डिग्रेडेड और इनएक्टिवेटेड बाय यूवी और ऑक्सीडेशन. देन रिक्वायर बाइल सॉल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन. डेफिनेटली ओरल एब्जॉर्प्शन में उनका जो इजीली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके लिए कुछ बाइंडिंग एजेंट्स लगते हैं, कुछ कैरियर्स लगते हैं जो कि बाइल सॉल्ट होते हैं, जो बाइंड होके जो जो भी फैट या ऑयल हम लोग जो भी कंज्यूम करते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होते, दे रिक्वायर कैरियर्स, नॉर्मली बाइल सॉल्ट. तो दीज विटामिन अगेन रिक्वायर बाइल सॉल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन. एक्सक्रीशन इन द बाइल and reabsorption by the entire hepatic circulation and is also excreted in the feces also. मतलब इसका जो major route रहेगा वो fecal excretory route रहेगा through the, क्योंकि हमको पता है, excuse me,
ओके सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर आ रही है। ओके मुझे ऑफिस से कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा इंटरप्शन हो गया। ओके हम लोग बात कर रहे थे फैट सोल्युबल विटामिन्स की व्हिच रिक्वायर्ड, ये तो दो तीन पॉइंट्स हमारे हो गए थे, इनएक्टिवेटेड बाय द यूवी एंड ऑक्सीडेशन, रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन एंड दे आर एक्सक्रीटेड बाय द हेपेटोबिलरी डक्ट, हेपेटोबिलरी सर्कुलेशन से वो एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीटरी रूट से, नॉट बाय द यूरिनरी रूट बिकॉज दे आर नॉट वाटर सोल्युबल। वाटर सोल्युबल अगर है तो यूरिनरी रूट से एक्सक्रीट आउट होंगे, जैसे कि फैट सोल्युबल विटामिन्स में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे दीज वाटर सोल्युबल विटामिन्स आर will get excreted by the urinary route, ठीक है? Next, generally stored in liver, क्योंकि fat soluble vitamins stored हो सकते हैं, water soluble vitamins stored नहीं हो सकते, इसलिए one should be cautious while taking or administering these types of vitamins, fat soluble vitamins, ठीक है? क्योंकि water soluble लिया तो wash out होकर निकल जाएगा, body में store नहीं होंगे तो उसका excess नहीं होगा, लेकिन ये जो fat soluble vitamins है ये store हो सकते हैं, और store होने के बाद में उसका भी और एक adverse effect मिलेगा, because we are taking vitamin wherever there is a deficiency of vitamins. Normally vitamins कब consume किए जाते हैं? जब विटामिन का डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो विटामिन डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए हम लोग कंज्यूम करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितना कंज्यूम करना है, कहीं वो एक्सेस होकर स्टोर तो नहीं हो रहा है बॉडी में, क्योंकि एक्सेस होकर स्टोर हुए तो भी वो डिसीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन हाइपर विटामिनोसिस, सो दैट इज अगेन डिसऑर्डर। तो वन शुड बी कॉशियस व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग दीस टाइप्स ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन बिकॉज दे आर स्टोर इन लीवर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय द लिपोप्रोटीन्स, मतलब ये फैट सोल्युबल होने की वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ कैरियर मीडिएटेड लैक्टेज के लिपोप्रोटीन्स नीडेड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, लाइक स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर अगेन नीडेड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, नॉर्मली दे आर नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज आई टोल्ड, एज दीज आर दी लाइक फैट सोल्युबल विटामिन्स है, इसलिए वो जो है वो नॉर्मली दे आर नॉट बीइंग एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन, क्योंकि वाटर सोल्युबल चाहिए, वाटर सोल्युबल ड्रग जो भी है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, नॉट दी फैट सोल्युबल विटामिन्स। हां, अभी हम लोग देख रहे हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स, तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स में क्या एग्जांपल्स है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, दिस इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, दैट इज द वाटर सोल्युबल विटामिन्स। अभी सिंपल है कि ये एज नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग दीज आर वाटर सोल्युबल, देन दे आर इजीली एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में कुछ इशू नहीं होता है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कैरियर्स या बाइल सॉल्ट्स वगैरह कुछ लगते नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब, पैसिवली एब्जॉर्ब। नेक्स्ट, हैव हाई थ्रेशोल्ड ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन, तो जो मेजर जो उसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा बिकॉज दिस आर वाटर सोल्युबल, नॉट स्टोर इनटू द बॉडी एक्सेप्ट विटामिन बी12, ठीक है, विटामिन बी12 हो सकता है कि स्टोर हो जाए, लेकिन उसके अलावा जितने भी वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं बी ग्रुप के या विटामिन सी आर नॉट स्टोर्ड इनटू द बॉडी। नेक्स्ट, वी आर मूविंग टू द फर्स्ट विटामिन अमंग द फैट सोल्युबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए। तो विटामिन ए का अगर हम लोग केमिस्ट्री देखते तो इसके अंदर जो होता है वो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए, यू कैन सी दैट which having a long chain of carbon side chain, और ये जो होता है beta anion nucleus, इसको बोला जाता है, left side का जो आपको aromatic ring दिख रहा है उसको groups attached दिख रहे हैं, so that is actually the beta anion nucleus and remaining जो रहेगा वो side chain रहेगा, ठीक है, और ये हो गया vitamin A, और दूसरा इससे related structure that is beta carotene, तो beta carotene जो होता है, beta carotene is a dimer of vitamin A, आप देखो कि carrot हम लोग बोलते हैं carrot, ठीक है, कैरोट, तो कैरोट, कैरोट से हमको विटामिन ए मिलता है, वी आर फ्रीक्वेंटली सेइंग द थिंग्स दैट विटामिन ए इज मेजर सोर्स, विटामिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैरोट, तो कैरोट के अंदर होता है कैरोटीन, कैरोटीन मतलब ये जो आपको नेक्स्ट वाला जो बिलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, तो इसको अगर हम लोग एग्जैक्टली मिडिल पार्ट से अगर डिवाइड करें तो हमको दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, समझ में आ रहा है, बीटा कैरोटीन जो है विच इज अ डाइमर ऑफ विटामिन ए, विटामिन बीटा कैरोटीन को अगर एग्जैक्टली मिडिल पार्ट से अगर हम लोग उसको क्लीवेज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमको दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट इज ऑफ विटामिन ए, ठीक है, एज यू कैन सी एरोमेटिक रिंग जो है वो एट द टर्मिनल्स पे, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, इस तरह से हमको दो एरोमेटिक रिंग वाला मतलब के दो विटामिन ए के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द विटामिन सॉरी बीटा कैरोटीन की अगर हम लोग बात करें, द क्रिस्टलाइन प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन बीटा कैरोटीन लगता है, इट कंसिस्ट ऑफ क्लियस जॉइंट टुगेदर विद 18 कार्बन चेन, मतलब ये बीटा एनोन न्यूक्लियस हम इसको बोल रहे हैं बीटा एनोन न्यूक्लियस, और जो मिडिल वाला जो चेन रहेगा इट विल बी 18 कार्बन चेन, ठीक है,
18 कार्बन टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो दिस विल बी द 18 कार्बन चेन. और अगर हम लोग विटामिन ए में बात करते हैं साइड चेन, तो देर आर 11 कार्बन एटम्स. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार्बन होते हैं इन द साइड चेन ऑफ दिस विटामिन ए, इंक्लूडिंग दिस ब्रांच, इंक्लूडिंग दिस ब्रांच मिथिल ग्रुप, जो साइड में आपको मिथिल ग्रुप वो मिला करके. ठीक है, एल्स जो लाइन फॉर्म में दिख रहे कार्बन चेन वो 9 रहेगा. तो अगर दो कार्बन, दो बीटा विटामिन ए की बात करते हैं जो कि बीटा कैरोटीन में होता है, तो लॉन्ग चेन भी 18 कार्बन, 9 + 9 = 18. और ये साइड वाले मिथिल ग्रुप अलग रहेंगे, ये वाले साइड वाले मिथिल ग्रुप जो है वो अलग रहेंगे. सो नेक्स्ट ऑन ऑक्सीडेशन क्लीवेज में मतलब बीटा कैरोटीन का ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्लीवेज होगा, वी आर गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए. अभी हम लोग विटामिन ए की बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए. अभी यहाँ पे आपको जो लास्ट में जो टर्मिनल ग्रुप दिख रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप है. अभी हाइड्रोक्सी ग्रुप के बजाय दूसरे फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए रहेगा. विटामिन ए इज कॉल्ड एज रेटिनॉल, विटामिन ए इज कॉल्ड एज रेटिनॉल. अगर ये लास्ट वाला कार्बन CH2OH है, मतलब मिथिल या हाइड्रोक्सी ग्रुप के फॉर्म में है या अल्कोहल के फॉर्म में है, फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल, तो दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल. स्ट्रक्चर कॉमन है. अभी यही अगर लास्ट वाला कार्बन अगर एल्डिहाइडिक फॉर्म है, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप के फॉर्म है, तो दिस इज कॉल्ड रेटिनल AL, नॉट OL. OL रहा तो रेटिनॉल, AL रहा तो रेटिनल, ओके, कॉलिंग रेटिनल डिहाइड. एल्डिहाइड है ना, CHO मतलब एल्डिहाइड, OH मतलब अल्कोहल होता है, रेटिनॉल. एल्डिहाइड है तो रेटिनल और रेटिनल डिहाइड. अगर यही अगर कार्बन, अगर लास्ट कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है COOH, सो दिस इज कॉल्ड एज एसिड, तो दिस वी आर कॉलिंग रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड. ये सभी सभी जो है वो तीनों भी फॉर्म होते हैं विटामिन ए के. मेजरली इट विल बी ऑब्टेन ऑन द रेटिनॉल फॉर्म, मतलब मेजोरिटी में वो रेटिनॉल में मिलता है, लेकिन इट मे बी प्रेजेंट इन रेटिनॉल डिहाइड फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकता है, या रेटिनोइक एसिड के फॉर्म में भी वो मिल सकता है. ऑल दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए. और नीचे वाला जो दिया है वो बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर दिया है, जिसमें मैंने बोला कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए मिलते हैं. सो या एग्जैक्टली मिडिल पार्ट में उसको क्लीव किया तो, क्लीवेज किया तो वी आर गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए. इसका मतलब बीटा कैरोटीन जो है वो प्रिकर्सर है, स्टार्टिंग मटेरियल है या सोर्स है, दैट इज ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट व्हाट टू डू, मतलब इसके फंक्शन क्या क्या है, विटामिन ए के फंक्शन क्या क्या है, दैट इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द विजन. इट जनरेट द पिगमेंट्स फॉर रेटिना, इट मेंटेन द सर्फेस ऑफ द सर्फेस लाइनिंग ऑफ द आईज, बोन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन, मतलब सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन जो पार्ट होता है, मियोसिस एंड डिवीजन, सेल डिवीजन, उसमें भी हेल्प करता है. इट विल मेंटेन द हेल्दी स्किन आल्सो. ठीक है, हेल्दी स्किन मेंटेन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, व्हाट वेयर इट कम्स फ्रॉम, मतलब इसके सोर्सेस का कौन कौन से रहेंगे विटामिन ए के सोर्सेस, सो दैट विल बी एनिमल सोर्सेस. अगर देखा तो एग, मीट, चीज, मिल्क, लीवर, कॉड ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, ये सब सोर्सेस रहेंगे, दैट इज द एनिमल सोर्सेस. एंड प्लांट सोर्स की बात करते हैं तो कैरोट, स्वीट पोटैटो, स्पिनेच, टोमेटोज, दीज आर दी सोर्सेस. डेली रिक्वायरमेंट इन्फेंट्स में 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, चिल्ड्रंस में it requires more, that is 2000 to 3500 international units, pregnancy lactation mein usse bhi zyada lagta hai, around 6000 to 8000 international units during the pregnancy and lactation stage. Next, deficiency of vitamin A mein kaun kaun se diseases hote hain, that is the zero ophthalmia, zero matlab ke nothing ya none, ophthalmia matlab ke ophthalmic jo fluid rahega, lacrimal fluid, wo none ho jayega, secretions lack ho jayegi, jis wajah se excessive dryness of the eyes will be there, and that leads to a excessive dryness of eyes that leads to a mechanical damage of the retina, or jo cornea hai wo damage ho jayega, aur there is a say blindness, complete blindness, permanent blindness wahan pe ho sakta hai. Uske baad next dekhenge hum log atrophy of epithelial cell, ye matlab integrity bhi maintain karta hai. Xerophthalmia mein atrophy of the epithelial cells result in the absence of the tears and drying of the eyes with the irritation and conjunctivitis. May suffer from the corneal ulceration and it not treated, agar ye treat nahi kiya gaya to may lead to a permanent blindness. Xerophthalmia is treated by the retinal supplement or we call retinol supplement. Theek hai, vitamin A ke supplements ye correct kiya ja sakta hai. Next,
अगर ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए जो म्यूकोसल सरफेस पे पिघल सके, नेजल म्यूकोसा है, तो ये सब चीजें ड्राई हो जाती है। हाइपर केराटोसिस, केराटिनाइजेशन ऑफ द स्किन, स्केली स्किन फॉर्म हो जाएगी, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट इज अ नेटलो सॉरी नेक्टो नेक्टलोपिया, दैट इज द नाइट ब्लाइंडनेस, यू नो, सो मोस्ट पॉपुलर डिजीज व्हिच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। डिफेक्ट इन द विजन ड्यू टू द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियल कॉर्निया या एब्सेंस ऑफ विटामिन ए, पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट और एबल टू सी इन द डार्क रीजन, डार्क डिम लाइट, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो एक्टिवेशन है विटामिन ए का, जो कन्वर्जन है वो नहीं होता है, विजन साइकिल जो होती है ठीक है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पर्सन इज अनएबल टू सी इन द डार्क और ड्यूरिंग द नाइट आवर्स ठीक है, ये या डिम लाइट में देख नहीं पाता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, इंजेक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द चिल्ड्रंस लीड्स टू अ हाइपर विटामिनोसिस। मतलब विटामिन ए अगर ज्यादा कंज्यूम कर दिया गया तो फैट सोलबल विटामिन के साथ भी यही प्रॉपर्टी होता है कि दे आर बीइंग एबल टू स्टोर्ड इनटू द बॉडी कॉजेस हाइपर विटामिनोसिस, वो भी डिसीज कंडीशन होता है। अभी एक्सेस ऑफ विटामिन ए से क्या कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे उसके डिसीज के या हाइपर विटामिनोसिस के, तो एक रहेगा हाइपर इरिटेबिलिटी, उसके बाद में स्वेलिंग ऑफ दी लॉन्ग बोन्स, ड्राई स्केली लिप्स एंड एनलार्ज लीवर। सीरम लेवल ऑफ विटामिन ए लीड्स टू अल्कलाइन फॉस्फेट रेज एंड दैट लीड्स टू अगेन अ डिसऑर्डर। स्टेबिलिटी अगर देखा है तो ये हर्मेटिकली सील कंटेनर में इसको स्टोर किया जा सकता है। फॉर्मुलेशन या डोसेज फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन ए सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन ए एंड विटामिन डी सोल्यूशन दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। हेलीबट लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल विथ विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन डी कैप्सूल, विटामिन ए कैप्सूल, एरोविट शार्कोफेरॉल, शार्कोफेरॉल एंड न्यूट्री माल्ट, दीज आर दी ब्रांड्स अवेलेबल फॉर दिस विटामिन ए। नेक्स्ट विटामिन डी, सो देयर आर टू नेचुरली ऑकरिंग, एक तो हो गया विटामिन ए अभी हमने जस्ट खत्म किया है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फैट सोलबल विटामिन, दैट इज कॉल्ड एज विटामिन डी। सो विटामिन डी नेचुरली ऑकरिंग इनटू टू फॉर्म्स, जैसे हमने देखा कि विटामिन ए के डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं, दैट इज रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनाल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड, तो यहाँ पे विटामिन डी के जो फॉर्म रहेंगे दैट इज विटामिन डी टू कॉल्ड एज कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी थ्री कॉल्ड एज कोलेकैल्सिफेरॉल ठीक है। विटामिन डी टू विच इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ एर्गोस्टेरॉल एंड विटामिन डी थ्री जो रहेगा वो एक्टिवेटेड फॉर्म रहेगा 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल का ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो फैट सोलबल विटामिन होने की वजह से इट रिक्वायर्ड कैरियर। स्टोरेज अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी स्टोर्ड इन द लीवर एंड स्किन एंड इट्स लेसर अमाउंट ऑल्सो ऑल्सो स्टोर्ड इन द लंग्स एंड स्लीन एंड बोन्स, मतलब स्टोरेज इसका होता है। विटामिन डी इज बीइंग स्टोर्ड इनटू द टिश्यूज एंड दैट लीड्स टू हाइपर विटामिनोसिस आल्सो, बट इट नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शन, जो है वो जरूरी भी होता है, इसका फिजियोलॉजिकल रोल जो रहेगा वो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि स्किन के अंदर भी स्टोर रहेगा, तो वी आर सेइंग दैट विटामिन यूवी रेज आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो एज सच यूवी रेज से हमको विटामिन डी नहीं मिलता है, विटामिन डी विल बी प्रेजेंट इटसेल्फ इन आवर स्किन बट दैट विल बी इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो जैसे यूवी रेज के कांटेक्ट में आ गए, सन रेज के कांटेक्ट में आता है तो एक्टिवेशन होता है, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी वी आर गेटिंग, समझ आ रहा है। एज सच सन रेज से कोई विटामिन नहीं मिलता है, विटामिन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर स्किन बट दैट इज इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म, उसका एक्टिवेशन का काम जो यूवी रेज उतना करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन डी वी कॉल अ स्टेरॉयडल, जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्टेरॉयड्स वाले जो स्ट्रक्चर देखे, स्टेरॉयड्स देखे जिसमें बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होता है, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेथ्रिन व्हिच कंटेन अ फोर साइक्लिक रिंग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री, दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि वी हैव फोर रिंग फ्यूज टुगेदर, स्टेरॉयडल का पार्ट यहाँ पे आ गया, इसलिए स्टेरॉयडल विटामिन भी इसको बोला जाता है विटामिन डी। सोर्सेस एग योक, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, सनलाइट रेज, हम लोग जो बोले जैसे अभी स्किन के अंदर जो होता है वो विटामिन डी को एक्टिवेशन करने का काम करेगा सन रेज। एर्गोस्टेरॉल थ्रू द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट्स, प्लांट सोर्स से भी हमको मिलता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अगर देखें विटामिन डी के, तो इट विल बी इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इनटू द इंटेस्टाइन, फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड मेंटेन द विटामिन डी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। मिनरल्स जो पर्टिकुलरली मिनरल्स आर बीइंग डिपॉजिटेड एट द डिपॉजिशन में जो है वो विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंक्रीजेस
दी फिजियोलॉजिकल रोल्स में हम लोग बात करें, डिक्रीजेस द कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन्स एज आई टोल्ड विच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. विटामिन डी इंक्रीजेस इन द एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट बाय द किडनी एंड डिक्रीजेस द पीएच ऑफ लोअर इंटेस्टाइन. मतलब जो फॉस्फेट बफर जो होता है उसमें ये विटामिन डी जो है वो उसके उसमें उसका कंटेंट मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. बिकॉज फॉस्फेट बफर इज वन ऑफ द बफर सिस्टम, उसी में जो है वो अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने का जो काम रहेगा, पर्टिकुलरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine, lower part of the small intestine, for the absorption of the particular calcium and phosphorus. तो alkaline करने के लिए जो है वो vitamin D जरूरी होता है. Vitamin D जो है वो alkaline कर देगा pH को, उससे easily absorption हो सकता है. जो those drug which having an window for absorption into the alkaline media and particularly the calcium and phosphorus जो है उसका भी absorption easily हो सकता है because of the alkaline pH और phosphorus और calcium अगर अच्छे से absorb हो जाते हैं so that will be available for the deposition, that is the part of mineralization of the bones. Next, daily requirement agar infants mein 400 international units hota hai, adults mein 400 to 800 international units is there. Then in or theek hai, one international unit agar dekha jaye to 0.024 milligrams hota hai. Used in deficiency diseases like for example rickets. Rickets mein supplement vitamin D ka diya ja sakta hai kyunki jo rickets hota hai that is due to deficiency of vitamin D. Due to the effect of calcification on the long bones in the children's, जो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो bones, long bones, normally lower limb वाले जो bones होते हैं, they got bend या वो flexible हो जाते हैं, that flexible हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो bend हो जाते हैं, क्योंकि overall जो upper body part का जो weight होता है, वो lower limbs के ऊपर होता है और plain bones, lower limbs के जो bones अगर वो flexible हो गए तो बेंड हो जाते हैं, दैट लीड्स टू परमानेंट डिफॉर्मिटीज, दैट इज कॉल्ड एज एन रिकेट्स, या उसको रिकेट्स बोला जाता है. ठीक है, माल फॉर्मेशन एंड पिगमेंटेशन ऑफ द टीथ विल बी देयर, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. तो उसके में भी उसमें भी हम लोग विटामिन डी सप्लीमेंट दे सकते हैं. ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू द डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन एंड द टिश्यू इन एडल्ट्स. क्योंकि चिल्ड्रंस में हम लोग बोल रहे हैं रिकेट्स है जो ऑलरेडी ग्रो हो चुके हैं जैसे कि एडल्ट्स, तो उसमें क्या डिसीज होगा, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, दैट इज द ऑस्टियोमलेशिया. जो कि बोन पेन इन जॉइंट्स या बोन रहेगा या लाइक बोन्स बिकम फ्रैजाइल इजीली ब्रेकेबल, ये सब चीजें होगी, दैट इज द ऑस्टियोमलेशिया. नेक्स्ट, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ द विटामिन डी. मतलब विटामिन डी अगर स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर तो वो भी डिसीज ये डिसऑर्डर कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट, वीकनेस, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब किसके रहेंगे, सिम्टम्स ऑफ हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन डी. वीकनेस है, वोमिटिंग है, डायरिया है, पोलीमिया, थर्स्ट, देन सीरम कैल्शियम लेवल एलिवेटेड, यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन इंक्रीज, दैट लीड्स टू किडनी स्टोन वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती है. डोसेज फॉर्म अगर देखा है तो कैल्सिफेरॉल सॉल्यूशन, इंजेक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन ए और डी जो कॉम्बिनेशन में आता है, विटामिन ए डी ड्रॉप या कैप्सूल, शार्केफेरॉल, न्यूट्रीमॉल, दिस आर द ब्रांड्स. नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज विटामिन ई. ठीक है, विटामिन ई की अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन ई का स्ट्रक्चर ये होता है, दैट इट्स अल्फा टोकोफेरॉल, इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोफेरॉल. विटामिन ई का जो सिनोनिम रहेगा वो टोकोफेरॉल रहेगा. फोर सच कंपाउंड्स हैविंग फाउंड इन द नेचुरल सोर्सेस, या नेचुरल सोर्सेस में हमको फोर डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं, दैट इज ऑफ विटामिन ई, दैट वी कैन सी दैट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल. ठीक है, उसमें से जो है मतलब हमने डिफरेंट फॉर्म्स भी देखे, विटामिन ए के डिफरेंट फॉर्म देखे, विटामिन डी के दो फॉर्म्स थे, कैल्सिफेरॉल टू कोली कैल्सिफेरॉल डी टू डी थ्री. यहाँ पे विटामिन ई के जो चार फॉर्म्स रहेंगे नेचुरली ऑकरिंग, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. तो उसमें से जो अल्फा रहेगा, अल्फा टोकोफेरॉल हैज अ वाइडेस्ट नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसमें से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो अल्फा फॉर्म रहेगा. यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अल्फा टोकोफेरॉल, दिस वन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे और डिफरेंट जो हम लोग बोला है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा टोकोफेरॉल, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस दैट वी कैन सी बाय द जनरल स्ट्रक्चर. तो इसमें आप देखिए कि आर वन, आर टू, आर थ्री, ये जो तीन हमने अल्किल ग्रुप दिखाए इन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन ई, बीटा में क्या वेरिएशन है, यहाँ पे देखिए तीनों भी मिथिल ग्रुप है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, आर वन, आर टू, आर थ्री, ऑल ऑफ दी आर मिथिल ग्रुप,
अल्फा टोकोफेरॉल। बीटा टोकोफेरॉल में आर वन और आर थ्री ये मिथिल ग्रुप रहेंगे, हाइड्रोजन जो रहेगा वो मिथिल ग्रुप, लाइक आर टू इज नॉट ए मिथिल ग्रुप, आर टू इज हाइड्रोजन ओनली, आर टू वाला हाइड्रोजन रहेगा, आर वन आर टू मिथिल। इस तरह से जो है वो गैमा टोकोफेरॉल में आर टू और आर थ्री मिथिल ग्रुप रहेगी, और डेल्टा टोकोफेरॉल में ओनली द आर थ्री इज मिथिल ग्रुप, अदर इज अ हाइड्रोजन, मतलब आर वन आर टू जो रहेगा हाइड्रोजन रहेंगे। तो दिस आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द विटामिन ई वी कॉल फोर, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। सोर्सेस की अगर बात करें तो अल्फा का ये हर्बल या फार्माकोग्नोस्टिक सोर्स है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है दैट इज मेडिकागो सटाइवा। वीट से भी हमको मिलता है, सोया से विटामिन ई मिलता है, कॉर्न से मिलता है, कॉटन सीड से मिलता है, पर्टिकुलरली कॉटन सीड ऑयल से मिलता है, एक मीट लीवर एंड फिश से भी हमको विटामिन ई मिलता है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ई की बात करते हैं तो इट प्रोटेक्ट द विटामिन ए एंड कैरोटीन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये जो विटामिन ई रहेगा वो एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, मतलब इट विल प्रिवेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या करते हैं नॉर्मली जो ऑयल या फैट्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो प्रिवेंट करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। लाइक सेम विटामिन ए अगर है तो विटामिन ए भी फैट सोल्यूबल है, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है तो इसका मतलब वो उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो विटामिन ई एक्टिंग एज अ इटसेल्फ अ विटामिन एज वेल एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द विटामिन ए आल्सो, या डिफरेंट जो अदर फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स एक्ट करेगा या उसका प्रिजर्वेटिव भी एक्ट कर सकता है। Next, prevent the formation of peroxides by polyunsaturated fatty acids, also pigmentation of adipose tissues. और जो है वो peroxide formation अगर prevent करता है तो ये anti-cancer भी काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि peroxides अगर form होते हैं तो that leads to induction of the cancer, tumor जो है वो induce हो सकता है अगर excess generation of oxidative peroxides अगर form हो रहे तो, ठीक है, अगर नहीं हो रहे form तो दैट लीड्स टू अगर एंटीऑक्सीडेंट हम लोग यूज करें तो ये परोक्साइड फॉर्म नहीं होंगे या कैंसर जो है वो इंड्यूस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट एंजाइम्स मसल्स नर्व्स गोनाड्स एंड फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, ये चीजों को भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव भी उसका फंक्शन है। विटामिन ई प्रिवेंट द हिपैटिक नेक्रोसिस प्रोड्यूस बाय द लैक ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, मतलब ये भी प्रोटेक्टिव हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए डिसीज विटामिन ई डेफिशिएंसी के तो रहेगा इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, हीमोलाइसिस हो सकता है, डिक्रीज इन द लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, एनीमिया, एडिमा, स्किन चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन एडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमन, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। हिपैटिक नेक्रोसिस हो सकता है क्योंकि ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हिपैटो प्रोटेक्टिव है, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हिपैटिक नेक्रोसिस हो सकता है। कॉजेस न्यूरालजिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आल्सो। प्रॉपर्टीज में अगर बात करते हैं विटामिन ई के तो इट्स अ विस्कस ऑयली कलरलेस लिक्विड, ऑयल सोल्यूबल है, ऑयली इट्सेल्फ ऑयली लिक्विड है, ठीक है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर डेफिनेटली, क्योंकि ऑयल सोल्यूबल है तो वाटर में तो सोल्यूबल होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सोल्यूबल इन अदर सॉल्वेंट, ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड चेंजेस टू ब्रिक रेड कलर, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइज बाय द एयर एंड ऑक्सीजन एंड अफेक्टेड बाय लाइट आल्सो। हाँ, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है नो प्रॉब्लम, बट उसका वही इसका यूज होता है कि इटसेल्फ विल गेट ऑक्सीडाइज एंड विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ऐसे ही डिफाइन करते हैं दैट दीज आर द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ विल गेट ऑक्सीडाइज एंड विल प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो उसी तरह से ये जो विटामिन ई रहेगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। An oxidant for fats and oil uses is karega to maintain the structure and function of the stomach muscles, smooth muscles, sorry, to prevent the abortion and like menstrual disorders and improve the lactation, prevent the hepatic anemia, hemolytic anemia, sorry, but the protective function karega to hemolytic anemia bhi prevent ho sakta hai. Vitamin E tablet, vitamin E capsule, vitamin E ointments, ye rahega all the formulations of vitamin E. ब्रांड नेम्स रहेगा कियोकार्पिन मसाज, कियोकार्पिन मसाज और कियोकार्पिन तो आपने सुना होगा ब्रांड, तो विच विल कंटेन द विटामिन ई, विटामिन और विटा ई अगेन दियर, विटा ई इज अगेन वन ऑफ द ब्रांड अवेलेबल फॉर विटामिन ई। लास्ट जो विटामिन हमको देखना है अमंग द फैट सोल्युबल विटामिन अमंग द ए डी ई के, तो ए डी ई तो हमारा फिनिश हो चुका है, नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट फैट सोल्युबल विटामिन दैट इज द विटामिन के। विटामिन के जो कंपाउंड और कंपाउंड्स हैविंग एक्सक्यूज मी हाँ कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन के उसका एक्टिविटी है। टू नेचुरली ऑकरिंग विटामिन्स आर अवेलेबल सच एज विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनोन बोला जाता है, एंड विच आर ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम अल्फा अल्फा,
और विटामिन की टू के टू इज कॉल्ड एज फेरोक्विनोन विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम फिश मील. मेनाडायन ये भी एक एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है एंड विच इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के. मतलब नेचुरली ऑकरिंग हमने बोला के वन के टू, और अगर सिंथेटिक विटामिन के की बात करते हैं जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है और विच विल फंक्शन एज द सेम एज लाइक दैट ऑफ द विटामिन के इज कॉल्ड एज मेनाडायन. सो मेनाडायन ये रहेगा सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन के. ऑल कंपाउंड्स आर एंटी हीमोरेजिक, मतलब ब्लीडिंग को हीमोरेज को प्रिवेंट करते हैं. ये दीज आर टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस विटामिन के. That is first one is of vitamin K1 and second one is of we call menadion synthetic or vitamin K2 का भी analog है menadion जो कि synthetic रहेगा. हाँ हम लोग बोल रहे थे naphthoquinone ring, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो benzene ring fused together है, तो दो benzene ring fused together उसको बोला जाता है naphthacine. और quinone मतलब ketone group होता है, तो oxo group is a ketone group, तो दो ketone group यहाँ पे present है, इसका मतलब ये रहेगा naphthoquinone, naphtho naphthacine quinone vitamin K. और MEI मतलब एक मिथिल ग्रुप भी है, यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप अटैच है, वी कैन राइट CH3 और हियर ये लाइन फॉर्म में दिया है, इसलिए CH3 ड्रॉ नहीं किया, लेकिन एक लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन है, दैट इज द मिथिल ग्रुप इज देयर. मिथिल ग्रुप है इसलिए मिथिया MEI आएगा. नेप्था स्टैंड फॉर नेप्थलिन और डायन स्टैंड फॉर वहां पे देखिए मेनाडायन. ये पूरा मैंने टर्म आपको एक्सप्लेन कर दिया. एंड दिस इज द विटामिन के विच इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन के. नेक्स्ट सोर्सेस की अगर बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो लाइक स्पिनच है, कैबेज कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन के वन, देन कॉलीफ्लावर, स्पिनच, सोयाबीन्स, व्हीट जर्म्स, कैरोट, पोटैटोज, मिल्क, मीट एंड फिश आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन के वन. के टू जो है वो मोस्ट ऑफ विटामिन के टू इज प्रोड्यूस बाई दी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन इंटेस्टाइन. मतलब जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो विटामिन के की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. मतलब वो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो सकता है विटामिन के टू. विटामिन के वन जो हमको प्लांट सोर्सेस से मिल रहा है, वो उसके सोर्सेस अभी जस्ट हमने डिस्कस किए. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन के की बात करते हैं विटामिन के, तो इट रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज कोगुलेशन फैक्टर्स, फैक्टर 7th, 9th, and 10. ऑल दीज आर द कोगुलेशन कैस्केड में जो इन्वॉल्व होते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स. अगर इसमें से कोई भी एबसेंट हो तो पूरा कोगुलेशन कैस्केड कंप्लीट नहीं होगा. तो कुछ सम ऑफ द फैक्टर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स बिकॉज फॉर देयर बायोसिंथेसिस विटामिन के इज नीडेड. तो यहाँ पे हम लोग बात करें विटामिन के जो है वो जरूरी होता है बायोसिंथेसिस फॉर दिस कोगुलेशन फैक्टर्स, क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर का बायोसिंथेसिस होगा तभी जाके कोगुलेशन या क्लॉटिंग प्रोसेस होगा. जब भी ब्लीडिंग या हिमोरेज होता है तो क्लॉटिंग या कोगुलेशन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है एंड विच विल प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस. तो अगर विटामिन के का डेफिशिएंसी हो जाता है तो ये कोगुलेशन फैक्टर्स फॉर्म नहीं होंगे. कोगुलेशन फैक्टर्स अगर एब्सेंट रहेंगे तो कोगुलेशन कैस्केड कंप्लीट नहीं होगा. कोगुलेशन कैस्केड कंप्लीट नहीं होगा तो कोगुलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. देयर इज अ ब्लीडिंग हीमोरेज, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता रहेगा. नेक्स्ट इट रिड्यूसेस द प्रोथ्रोम्बिन टाइम आल्सो, मतलब ब्लीडिंग टाइम जो है वो नॉर्मल में मेंटेन करेगा. इन फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसमें भी हेल्प करता है. मतलब वो कोएंजाइम एक्ट करेगा विटामिन के. विटामिन के इज यूज्ड थेरेप्यूटिकली in antidotes to the poisoning of the dicot, dimercurial types of matlab ye dimercurial types of drug jo hote hain, these are anticoagulants. Warfarin sodium humne example dekha tha, comeran derivatives humne example dekhe the, dicomerol we had seen the examples as a anticoagulants. to anticoagulants ka agar poisoning ho jata hai, overdose ho jata hai, to in that case vitamin K is given ya vitamin K antidotes use kiya ja sakta hai. kyunki vitamin K kya hai, कोगुलेंट्स है, क्योंकि कोगुलेशन प्रोसेस में वो हेल्प करता है. और एंटी कोगुलेंट्स अगर पॉइजनिंग हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोगुलेंट्स वहां पे दे रहे हैं, मतलब जो उसका इफेक्ट रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. मतलब इट कैन बी यूज्ड एज एंटीडोट्स इन अ लाइक एंटी कोगुलेंट पॉइजनिंग. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस विटामिन के, दैट इज येलो कलर, येलो टू कलरलेस रहेगा, विस्कस ऑयली लिक्विड रहेगा, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, एंड ट्रीटेड विद अ इट गिव्स अ ग्रीन पर्पल रेडिश कलर प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट ऑक्सीडाइज बाय द एज इन एज वेल एज हीमोरेज, जो न्यू बॉर्न में होता है हीमोरेज. विटामिन के यूज
उसके लिए डेफिनेटली तो सेल से कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन भी ली जाए, या एक थेरेपी होता है रेडियो थेरेपी, या कॉलिंग रेडिएशन से आर बीइंग एक्सपोज टू किल द कैंसर सेल्स, तो वहां पे रेडिएशन जो होगी उसका सेंसिटिविटी अगर हमको बढ़ाना है, या सेल्स का जो कैंसर सेल्स है टूवर्ड्स द कैंसर सेल्स अगर सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो विटामिन के इज हेल्पफुल वन। ठीक है, नेक्स्ट डोसेज फॉर्म फाइटो सॉरी फाइटोक्विनोन, फाइटोमेनाडाइल इंजेक्शन, देन फाइटोमेनाडाइन टैबलेट, सोयाल एंड गाइनोसिडॉन, सॉरी गाइनोसिडॉन, सोयाल एंड गाइनोसिडॉन, दीज आर द ब्रांड्स फॉर दी विटामिन के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन के। नेक्स्ट जो देखना है हमको वो वाटर सोल्युबल विटामिन देखना है, जिसके जो है एग्जाम्पल्स है लाइक थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेंगे यहाँ पे फैट सोल्युबल विटामिन का, देन वी विल स्टॉप। वाटर सोल्युबल विटामिन्स वाटर सोल्युबल विटामिन्स में हमने बोला कि बी और सी ग्रुप है, या बी ग्रुप है और विटामिन सी है। बी ग्रुप में कौन कौन से है, थायमिन इज कॉल्ड एज विटामिन बी1, राइबोफ्लाविन इज कॉल्ड एज विटामिन बी2, नियासिन निकोटिनिक एसिड बी3, पेंटोथेनिक एसिड बी5 इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट फैक्टर बी5, पाइरिडॉक्सिन विटामिन बी6, देन लिपोइक एसिड विटामिन बी10, आपने ये थोड़ा सा रेयरली सुना होगा बी10 इज कॉल्ड एज लिपोइक एसिड, और थायोटिक एसिड भी उसको बोला जाता है। बायोटिन विच इज विटामिन एच और इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन बी7, फोलिक एसिड जो कि विटामिन एम भी बोला जाता है, विटामिन बी9 भी उसको बोला जाता है, आइनेस्टोल जो कि विटामिन बी11 है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर, लास्ट वन जो होता है विटामिन बी12 इज कॉल्ड एज द साइनोकोबालामाइन और कोबामाइड। ठीक है, कोबामाइड और साइनोकोबालामाइन भी उसको बोला जाता है विटामिन बी12, एंड लास्ट जो रहेगा इसमें वाटर सोल्युबल विटामिन में जो रहेगा ये बी बी ग्रुप या बी कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है, वर एज जो लास्ट रहेगा विटामिन सी रहेगा जो ये वाटर सोल्युबल है। ठीक है, तो ये जो विटामिन है आई थिंक सो वी हैव टू सी नेक्स्ट टाइम इट विल बी बेटर टू सी द विटामिन सी सॉरी ये जो वाटर सोल्युबल अगर विटामिन है तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, दैट इज मोर बेटर। इसके बाद हमारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, इट्स द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस। हाँ, आफ्टरनून में प्रैक्टिकल्स का क्या करना है, लेना है प्रैक्टिकल आफ्टरनून में, क्योंकि अभी आपके थोड़े मेरे हिसाब से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कुछ बचे हैं जो कि थर्ड सेशन का पार्ट रहेगा, टू आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नाइनटीन और
द एक्सपेरिमेंट्स, एक रिपोर्ट बनाना होता है कंप्यूटराइज रिपोर्ट, और दूसरा रहेगा दैट इज द विजिट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाना है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर 27। 26 तो सिंथेसिस है, और बचते हैं हमारे फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आपका लाइक 7th एक्सपेरिमेंट तक तो हो गया है, उसके आगे D4 सैंपल तक हो गया है, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ये हमको लेना है। सो व्हाट टू डू विद दिस, अभी थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, या एक काम करो कि आफ्टरनून में जो है लेना है लैब सेशन। एक काम करते हैं, आफ्टरनून में एक सेशन ले लेते हैं विच इज ऑफ अराउंड हाफ एन आवर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए सर। सेशनल के पास से लेंगे तो नहीं चलेगा? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका थ्योरी एग्जाम है अभी 5 तारीख से, वही पढ़ने का बाकी तो है, उसके लिए प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो फिर प्रैक्टिकल का मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या कम्पिटिशन करना है, वो कर लीजिए आप जी सर। और जो एग्जैक्टली सेशन लेके कंप्लीट करवाने हैं तो हम लोग फिर वो नेक्स्ट मंडे लेंगे फिर, दैट इज गुड जी सर। ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो अभी आज आप, यस आज मैं आपको दे दे रहा हूँ वर्क, एक देख के रख रहा हूँ, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप कर लीजिए, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 19 और 21 जो है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, 19 21 दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाले जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Okay, give your attendance roll number 1. Present sir. 2. Present sir. 3. Present sir. 4. Present sir. 5. 6. Present sir. 7. Roll number 7. Absent. Roll number 8. Absent. Roll number 9. Absent. Roll number 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Thirteen. 13. Absent. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Roll number 16. Absent. 17. Yes, sir. 18. Roll number 18. Absent. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. 24. Yes, sir. 25. Yes, sir. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. 29. Present, sir. 30. Yes, sir. Present. 31. Sir, 31 present.
सर 32 प्रेजेंट, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी. ओके सर 31 प्रेजेंट. 31 प्रेजेंट, 32 प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. 33 प्रेजेंट सर. 34 प्रेजेंट सर. 35 36 37. Yes sir, present. 38 Yes sir, present. 39 Present sir. 40 Present sir. 41 Present 42 sir. Present sir. 43 Present sir. 44 45 Present sir. 46 Present sir. 47 Present sir. 48 49 50 Present sir. 51 52 Present sir. 53 Present sir. Okay, 54 55 56 57 Present sir. 54 present. Huh? जी 54 प्रेजेंट एक्चुअली नेटवर्क इशू था. ओके 54 प्रेजेंट. नेक्स्ट 57 58 प्रेजेंट सर. 57 प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. 58 सर प्रेजेंट. ओके 59 59 60 60 61 Present sir. 61 62 Present sir. 63 64 65 Yes sir, present. 66 67 Yes sir, present. 68 Present sir. 69 Present sir. 70 Present sir. 71 72 Present sir. 73 Yes sir. 74 Yes sir. 75 Present sir. 76 Present sir. 77 78 Present sir. 79 Present sir. 80 80 absent hai kya? Yes sir, absent. No sir, present. Mic issue sir. Okay. 81 Present sir. 82 absent. 83 present sir. 84 85 Okay.
ठीक है, जिसको कुछ इश्यूज नहीं है लेफ्ट कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। रोल नंबर 13 सर, वो ईयरफोन्स नहीं चल रहे थे। सर 59 आल्सो 1313 ओके सर 59 हाँ एक मिनट नहीं आइया यस सर आइया 59 ओके ओके हेलो सर हाँ बोलिए सर जो लास्ट टाइम में जो सेक्शनल एग्जाम हुए थे फर्स्ट सेक्शनल जो मॉडल में जाके सेक्शनल पे क्लिक करना था तो सर सेकंड को वैसे ही करना है ना हाँ ऐसे ही रहेगा मॉडल में आपका एग्जाम होने वाला ओके सर तो नहीं प्रोसेस वही रहेगा ना जो के माय कोर्स में जाके जो सेक्शनल में सेक्शनल हाँ, हाँ, सेक्शनल एग्जाम में जाके यस 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 ओके सर थैंक यू Thank you.